हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक्स एंड वुड्स। और यह मेरा पहला व्लॉग होने वाला है, तो मैं आशा करता हूँ कि अगर कुछ भी क्रिंज या ऑकवर्ड होता है तो आप मुझे फॉरगिव करेंगे। व्लॉग में ज़्यादा कुछ नहीं, हम रीडिंग का ही डिस्कशन करेंगे। जितने भी आने वाले व्लॉग होंगे हम रीडिंग की ही बातें करेंगे। प्राइमरी गोल हमारा रीडिंग से रिलेटेड ही होगा। और आज के इस व्लॉग में जो बुक मैंने चूज़ की है उसका नाम है द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड। और इस बुक को चूज़ करने का रीज़न पहला तो ये है कि इसके पीछे ही लिखा है इसका रीज़न। आई डोंट नो इफ दैट्स विजिबल, सो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। दिस शॉर्ट एंड ह्यूमरस नोवेला कैप्चर्स लाइफ इन अ हिल विलेज ऑफ गढ़वाल वेयर ऑर्डिनरी कैरेक्टर्स बिकम हीरोइक एंड अदर्स फाइंड अपॉर्चुनिटीज टू रिडीम देमसेल्फ। सो बुक का प्लॉट बेसिकली गढ़वाल का है, तो हम भी अभी वहीं हैं, तो इससे अच्छी जगह इसको पढ़ने की शायद ही कोई होगी। और ये पहला रीज़न है इस बुक को चूज़ करने का। दूसरा रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि आजकल लॉकडाउन में नए रीडर्स जो लोग घर पे हैं, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रीडिंग करें। और जिन्होंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की है उनके लिए ये बुक अच्छी हो सकती है, क्योंकि रस्किन बॉन्ड यूजुअली ऐसी बुक लिखते हैं जो चिल्ड्रन फ्रेंडली होती है और इजी टू रीड होती हैं, तो उनके लिए ये काफ़ी अच्छी बुक हो सकती है। सो बुक को साथ में पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं बुक पढ़ने के बाद। सो इट्स अबाउट 7:30 और बुक फिनिश हो चुकी है। बहुत ही एक्साइटिंग बुक थी, और ये बुक उन लोगों के लिए जो उत्तराखंड से हैं, स्पेशली टिहरी से। मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इसमें टिहरी का भी कुछ जिक्र होगा, और पता चला कि पूरी बुक का सेंटर ऑफ पॉइंट टिहरी ही है और सब कुछ वहीं रिवॉल्व हो रहा है। तो मेन बाज़ार टिहरी का ही दिखाया गया, न्यू टिहरी का नहीं, ओल्ड टिहरी, क्योंकि उस वक्त ओल्ड टिहरी था 1980 में। और इस चीज़ से एक और बात का मैंने अनुमान लगाया कि मे बी ब्लू अम्ब्रेला, तो सॉरी पहले मैं आपको स्टोरी बता देता हूँ थोड़ा सी, होता क्या है स्टोरी में। तो बिनिया पे रिवॉल्व है स्टोरी, मेन कैरेक्टर बिनिया है जो एक छोटी सी बच्ची है। और क्या होता है कि कोई शहर से कोई लेडी आती है और उस बिनिया के गले में एक ताबीज़ होता है और उसे वो बहुत पसंद आ जाता है, और बिनिया को उस लेडी का अम्ब्रेला जो कि ब्लू कलर का होता है, तो वो दोनों उसे एक्सचेंज कर लेते हैं। ये बेसिक
स्टोरी है इस बुक की, पूरा तो मैं बता नहीं सकता क्योंकि स्पॉइलर हो जाएंगे, तो इतना ही है। बट मुझे लगा कि वो बिनिया जो अम्ब्रेला लेती है, वो मे बी जस्ट आई एम अज्यूमिंग, हो सकता है कि वो एक मेटाफर है उस चीज़ के लिए जो उन लोगों के लिए जो टीरी में डैम बनाना चाहते थे उस वक्त। और बिनिया का जो लॉकेट है वो हमारा टीरी का जो कल्चर था, तो उसके एक्सचेंज में जो हुआ वो ही। बाकी स्टोरी बहुत ही अच्छी है और हिल्स के लोगों की लाइफ को बहुत ही अच्छा दर्शाया गया है, बहुत सारी चीज़ें हम रिलेट कर सकते हैं। आई डोंट नो मिस्टर मॉन ने ये कैसे लिखा बिना भाषा को मे भी समझा उन्होंने। और ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो डिटेल्स हैं बुक में, बहुत ही अच्छा लगा पढ़ के। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदी में हम हिंदी या इंग्लिश में नहीं पता चलती, और उन्होंने लोकल लैंग्वेज गढ़वाली का ही यूज़ किया है उसमें, तो वो भी बहुत ब्यूटीफुल लगा। तो प्लीज़ इस बुक को पढ़ें टीरी से और गढ़वाल से, तो आपको बिल्कुल ये बुक पढ़नी चाहिए और बाकी लोगों को भी, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए द हार्डशिप्स ऑफ पीपल लिविंग ऑन द हिल्स। और इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि लोग जाने कि लाइफ काफ़ी डिफरेंट है। इवन अभी भी इतना डेवलप कुछ एरियाज हैं जो नहीं हुआ है, और ये तो 1980 की बात है जब तो काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत डिफरेंट है लाइफ ऑन द हिल्स दैन प्लेन्स। सो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ इस बुक को पढ़ें। और छोटी सी कहानी, इतना कुछ ज़्यादा डीप सा और बहुत ज़्यादा बड़ा और दिमाग को यूज़ करने वाला ऐसा कुछ नहीं है, और अच्छी सी है, ह्यूमर भी है उसमें। तो डेफिनेटली आजकल की सिचुएशन को देख के अच्छा लगेगा पढ़ के, आप प्लीज़ ट्राई करिए। और जिन्होंने रीडिंग स्टार्ट नहीं की अभी तक इंग्लिश में, तो उनके लिए एक एज अ यू नो स्टार्टिंग बुक हो सकती है, वो इस बुक से स्टार्ट कर सकते हैं। और जिन्हें रीडिंग स्टार्ट की और थोड़ा लाइट बुक चाहिए, थोड़ा फॉर अ चेंज, तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छी बुक है। और लिखी तो ये बच्चों के लिए गई थी, तो एडल्ट भी इसे पढ़ सकते हो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में सजेशंस बताइए, और प्लीज़ बी सेफ और पढ़ते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।